हेलो स्टूडेंट्स नमस्ते राम राम एंड जय हिंद एवरीवन अनदर वीडियो अनदर पावर पैक्ड वीडियो इन द सीरीज ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक्स एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू डील विद वॉइस एंड नरेशन इसी वीडियो में वॉइस और नरेशन के 100 प्लस क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे और ये वीडियो हो सकता है एक से सवा घंटे तक जा सकती है ठीक है एक से सवा घंटे तक जिसका रिविजन आप लोग हाफ़ एन आवर में कर सकते हैं हाफ एन आवर या फोर्टी फोर्टी फाइव मिनट्स में आप लोग कर सकते हैं इस वीडियो का स्पीड बढ़ा के ठीक है और इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताऊंगी कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है जिससे कि आप कम से कम समय में बिल्कुल एक्यूरेट अपना आंसर मार्क कर सकते हैं चाहे वॉइस का क्वेश्चन हो चाहे नरेशन का क्वेश्चन हो ठीक है एंड इसके अलावा यहाँ पर जो भी अभी क्लासेज हो रही हैं ये जो भी क्लासेज हो रही है इन सभी का आप लोगों को पी इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जाएगा सो इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ से आप लोगों को यहाँ होने वाले सभी क्लासेस का पी मिल जाएगा ओके okay, चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का नेक्स्ट uh, सेशन जो आज का अभी नेक्स्ट सेशन है वो डील करेगा वॉइस और नरेशन से ठीक है ये डील करेगा वॉइस और नरेशन से आइए चलिए देखते हैं वॉइस सबसे पहला बिफोर आई बिगिन आई वुड लाइक टू टेल यू एक मिनट ओके आइए चलिए सो हम लोग आगे बढ़े इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ कुछ बातें बता दूं, ठीक है देखो एक्टिव uh, वॉइस की पहचान क्या है एक्टिव वॉइस सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में उसकी पहचान क्या है बहुत ही आसान पहचान है पैसिव वॉइस में हर जगह आपको वर्ब V3 फॉर्म में मिलेगा एक्टिव वॉइस में आपको V1 दिखेगा ठीक है V1 प्लस एस और ई एस दिखेगा Uh, v2 दिखेगा v1 प्लस ing दिखेगा और v3 भी दिखेगा v3 भी दिखेगा ठीक है स्टूडेंट्स अब v1 या v1 प्लस s और es होता है तो उसका पैसिव वॉइस आप क्या बनाएगा बनाएंगे जैसे ही v1 या v1 प्लस s और es दिखा दे, आप तीनों चीज तीनों वर्ब्स अपने दिमाग में रखेंगे is am r v3 ठीक है v2 अगर आपको दिखा तो आप was were was were v3 ठीक है v1 प्लस ing अगर देखा v1 प्लस ing बिना बी फॉर्म के नहीं आता है या तो इज एम आर के साथ में आएगा या फिर वो वर के साथ में आएगा अगर इज एम आर के साथ में आया तो भी इज एम आर ही आगे आएगा ये चीज़े बिल्कुल crystal clear चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए दिमाग में ठीक है वर के साथ में आएगा तो वर तो होगा लेकिन ये वी वन प्लस आई एन जी चेंज हो जाएगा बींग में और फिर उसके बाद में आएगा वी थ्री ठीक है इसके साथ ये बींग में चेंज हो जाएगा फिर आएगा वी थ्री अब ये वी थ्री जो है एक्टिव वॉइस में हैज़ हैव या हैड के साथ आता है ठीक है हैज़ हैव या हैड के साथ में वी थ्री आएगा लेकिन पैसिव वॉइस में याद रखना ये हैज हैव या हैड टेंस के अकॉर्डिंग प्लस बीन प्लस वी थ्री क्योंकि वी थ्री तो यहां भी है यहां भी है फर्क कैसे पता चलता है एक्टिव कौन सा और पैसिव कौन सा है सो so, एक्टिव वाला हैज़ हैव हैड सीधा वी थ्री होता है और पैसिव वाला हैज़ हैव बीन और उसके साथ में वी थ्री होता है और इसके साथ में वी थ्री होता है इसके अलावा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है फ्यूचर टेंस है सो so फ्यूचर टेंस का याद रखेंगे फ्यूचर टेंस में विल शाल है और विल शाल के अलावा कोई भी मॉडल हो विल शाल हो या उसके अलावा कोई भी मॉडल हो कैन कोड मे माइट उसके तुरंत बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ठीक है और उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा इंक्लूडिंग विल शाल मॉडल आएगा फिर उसके बाद में बी आएगा फिर उसके बाद में वी थ्री मतलब विल गो विल गो नहीं विल राइट बन जाएगा विल बी रिटन ठीक है विल क्रिएट बन जाएगा विल बी क्रिएटेड ओके चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन एंड ये बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आ चुका है प्रीवियस ईयर में ठीक है सो क्वेनाइन क्वेनाइन टेस्ट बिटर अब ये देखिए इसका अगर ग्रामर आप देखेंगे तो ये फाइव साइंस ऑर्गन वाला वर्ड है और इसके बाद में ऑब्जेक्टिव आया है

ये जो adjective था ये यहाँ पे लिख दो ठीक ठीक है? 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 मतलब C आपने कट कर दिया. आएगा आएगा ही, when. और इसके लिए जो pronoun आएगा, वो क्या है? When it. So, quinine is bitter when. देखो यहाँ पे वेन आ गया है और ये आपका आंसर है ठीक है ये आप लोगों का आंसर है ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप लोगों के सामने वी आर टॉट इंग्लिश ह्योर वी आर टॉट इंग्लिश ह्योर ठीक है देखो

Uh, यहाँ पे वीवन या डॉट नहीं आएगा टीचर्स है यू टीच यू हम नहीं लिखेंगे अ लेडी टीचर्स अ लेडी इस तरह का कोई नाउन अपने मन से नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे पढ़ाने का काम कौन कर सकता है अब यहाँ पे जो जनरली ये काम करता है कौन करेगा टीचर सो so आपका आंसर क्या आएगा आपका आंसर आएगा ऑप्शन नहीं अ टीचर टीचर्स इंग्लिश हियर ठीक है चलो द नेक्स्ट वन हाँ then the next one the news surprised us ये क्या है v2 है v2 किस में चेंज होता है was were v3 में was were प्लस v3 में चेंज होता है देखिए ओके ठीक है were v3 हर जगह आ गया अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा अब ये एक्चुअली पता है क्या चेक कर रहे हैं? देखो यहाँ पे ये सब सेम है ठीक है ये भी सेम है ये सिर्फ और सिर्फ आपका

मॉडल तो एज इट इज रहेगा ही हैव बीन प्लस अब देखेंगे हैव 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 मेट है शुड uh, बी uh, नहीं been, नहीं बीन मीटिंग वी थ्री चाहिए मुझे है ना सो शुड हैव बीन मेट तो आंसर क्या है आपका फोर्थ वाले का फोर्थ वाले का आंसर है आपका ऑप्शन डी द नेक्स्ट क्वेश्चन वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज एक्सपेक्ट क्या है वी वन वी वन किस में चेंज होगा एज एम आर वी वन है आप एज एम आर तीनों वर्ब सिंग्यूलर और प्लोरल तीनों वर्ब एज एम आर वी थ्री तीनों इमेजिन करेंगे ठीक है क्योंकि हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चूज करना है बिना उसके आप तीनों को साथ में लेके चलेंगे ओके सो वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज अब देखिए एज एम आर वी थ्री बी एक्सपेक्टेड नहीं एक्सपेक्ट गुड न्यूज एक्सपेक्टिंग इज प्लस वी थ्री ये है आपका आंसर आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट वन माई टीचर गेव वी टू है वी टू किसमें चेंज होता है वी टू हम चेंज करते हैं वॉज या वर प्लस वी थ्री में वॉज या वर प्लस वी थ्री में ठीक है वॉज गिवन वॉज given, was वॉज was given. वॉज गिव ओके अब देखो अब हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा जब ये वाला स्ट्रक्चर आपका फेल हो जाए सबसे पहले आपको टेंस देखना है फिर उसके बाद में आप लोगों को प्रोनाउन देखना है ठीक है ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा और कुछ हमें ध्यान देना पड़ेगा मैं भी अब आपको बताऊंगी ठीक so, so, है सो माई टीचर गेव मी वी टू वॉज वर वी थ्री ठीक है सो वॉज वर वी थ्री है मी ये आगे आएगा आई आए, है ना आई बनेगा सो so, यहाँ पे क्या आना चाहिए सबसे पहले आई तो इन दोनों को हमने कट कर दिया आई के साथ में आई वॉज जर्नल बाय माई टीचर टू रीड इसको आपको चेंज नहीं करना है क्योंकि वर्ब को पैसे आप ऑलरेडी बना चुके हैं जब टू प्लस वी वन वर्ब की जगह पर आएगा एक्शन दिखाएगा है ना यानी कि जिसको आपने पढ़ने को दिया है ना इसको पढ़ने को दिया इसके बाद अगर आ रहा है इन्फिनेटिव तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सेंटेंस कहा मैंने सेंटेंस कहा आई हैव टू रीड अ जर्नल अब यहाँ पे आपको टू प्लस वी वन को चेंज करना है टू बी वी थ्री में अ जर्नल क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट है उसके पहले ही इन्फिनेटिव आ गया है ना सो so आप लिखेंगे अ जर्नल हैज टू बी रेड बाय मी ठीक है यहाँ पे देखो जो ऑब्जेक्ट था ये जो ऑब्जेक्ट था गेव मी अ जर्नल दोनों भी ऑब्जेक्ट के बाद टू प्लस वी वन आ रहा है तो इसको हमें चेंज नहीं करना है ध्यान रखना ठीक है ओके सो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा आपका आंसर होगा ऑप्शन डी द नेक्स्ट वन देखो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि दोनों भी है आपने एलिमिनेट तो कर दिया एलिमिनेट करने के बाद टू बी वी थ्री चेंज करना है या नहीं इस क्वेश्चन में अगर आपको पता है तो आप कर देंगे नहीं पता है तो जय माता दी करके आएंगे और तुक्के पे आपका काम चलेगा ठीक है इट इज इम्पॉसिबल इट इज इम्पॉसिबल अब देखो

वॉजवर वी थ्री में अब एक चीज और नोट करो अगर डिड प्लस वी वन है डिड नॉट वी वन डिड नॉट वी वन है तो भी वो चेंज होगा आपका वॉजवर वी थ्री में ही ये आपका चेंज होगा वॉजवर वी थ्री में ही तो देखो यहाँ पे वॉज वी थ्री हैड बीन वुड बी हैज बीन आंसर क्या है आपका आंसर है आपका ऑप्शन ए आंसर है आपका ऑप्शन ए ये नो बड़ी एनी बड़ी के कन्फ्यूजन में एक एक शब्द के कन्फ्यूजन में पढ़ना ही नहीं है चाहे वॉइस हो चाहे नरेशन हो हम लोग वर्ब के बेसिस पे इसको सॉल्व कर लेंगे कई बार वर्ब जब हमें सॉल्व करने में हेल्प नहीं करेगा ये सिर्फ टेन परसेंट ऑफ द टाइम्स होगा तब हम दूसरे चीजों पर जैसे प्रोनाउंस हो गया कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो टुडे तुम, टुमारो वगैरह हम करते हैं उस पर हम जाएंगे लेकिन सबसे पहला अटैक आपको कहाँ करना है वर्ब्स पे ठीक है क्योंकि वर्ब्स ही नाइनटी ऑफ द टाइम्स आपको करेक्ट आंसर पे आने पर हेल्प कर देगा ठीक है नाउ समवन इज फॉलोइंग इज is plus v1 plus ing किसमें चेंज करते बताओ is am, v, is am are plus being plus v3 being is mr plus being plus v3 देखो आर फॉलोइंग नहीं आर बीइंग फॉलोड इस इनमें से कोई भी दिख सकता है यहाँ पे ठीक okay, uh, yeah, है ओके आर बीइंग फॉलोड ये आ गया है वर बीइंग नहीं है तो टेंस चेंज हो गया याद रखना वॉइस में हमें टेंस चेंज कभी भी नहीं करना है ठीक है और हैड बीन फॉलोइंग तो बताओ आंसर क्या है आपका आंसर है आपका ऑप्शन बी चलो अगला क्वेश्चन हैजेंट स्लेप्ट हैज प्लस वी थ्री हैज प्लस वी थ्री किसमें चेंज होता है थ्री में हैज हैव बीन प्लस वी थ्री सो हैजेंट बीन स्लेप्ट ओके यहां पर हैड नॉट नहीं हैड नहीं आएगा uh, एक मिनट एक मिनट ही हैजेंट स्लेप्ट इन हिस्स बेड हा ठीक है हैड had, had, चेंज नहीं होगा आपका आंसर है ऑप्शन ए आपका आंसर है ऑप्शन चलो द नेक्स्ट वन अब हम लोग देखेंगे अभी तक हमने देखा अजर्टिव sentences। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव sentences। ठीक है अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव V1 से शुरू होगा तो भी डिडेंट प्लस वी वन क्वेश्चन है क्वेश्चन है तो ये आपका किससे शुरू होगा हेल्पिंग uh, वर्ब uh, से शुरू होगा ठीक है डिड प्लस वी वन है तो ये वॉज वर वी थ्री में चेंज होना चाहिए डिड एंड टेल ट यू टोल्ड ठीक है टेल यू ये आपका ऑब्जेक्ट है ना तो ये बीच में आएगा सो वर्ट यू टोल्ड नेगेटिव है वॉज वर वी थ्री होना चाहिए वरंट यू टोल्ड है यू वर एक्सपेक्टेड दे एक्सपेक्टेड ठीक है ये सब आपके आंसर नहीं है तो आंसर क्या है आपका वरंट यू टोल्ड टू बी हेयर बाई सिक्स ठीक है देखो आप कितना फटाफट अपने आंसर्स कर लेंगे विल दोज हैप्पी डेज बी एवर फोरगॉटन विल बी वी थ्री आ गया है मॉडल बी वी थ्री ये तो पैसिव है ये तो पैसिव है मतलब आपको इसको एक्टिव में विल प्लस फॉरगेट will will forget will forget shall forget अच्छा will shall दोनों भी आ सकता है देखेंगे वुड तो नहीं आएगा ठीक है एवर एवर स्टार्टिंग में नहीं आता है सेंटेंस के फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड है है ना तो ये स्टार्टिंग में सेंटेंस के नहीं आएगा ओके अच्छा अब देखो will those buy me डूअर कौन है मी सो आई याद रखना इंटरोगेटिव में सेंटेंस जब आप बनाओगे तब तो आई विल और शाल दोनों कह सकते हो फ्यूचर बताने के लिए आई विल गो होम आई शाल गो होम दोनों कह सकते हो ठीक है लेकिन जब आप इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो इंट्रोगेटिव में आप लोगों को शाल यूज करना है आई के साथ में क्या यूज करना है शाल यूज करना है आई के साथ में तो आंसर है आपका ऑप्शन आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज हाँ ठीक है आपका आंसर हो होगा ऑप्शन बी ठीक है द नेक्स्ट वन डू डू दे सेल प्लस चेंज होगा या ई एस ठीक है इज सॉरी इज एम आर इज एम आर प्लस वी थ्री में ठीक है so, सो देखेंगे डज से तो स्टार्ट नहीं होगा डू है डज से स्टार्ट नहीं होगा ठीक है इज प्लस uh, v3 थ्री इज प्लस क्या चाहिए मुझे v3 थ्री सो वी थ्री तो यहां है ये तो v1 वन प्लस आई एनजी आ गया आंसर क्या है ऑप्शन सी आंसर क्या है ऑप्शन सी मेरे साथ साथ स्पीड में इसी स्पीड में आप लोगों को सॉल्व करते चलना है ठीक है वाई डू यू लाइक अच्छा अब डब्ल्यू एच अगर वर्ड आ गया तो डब्ल्यू एच वर्ड को एज इट इज यहीं पे रहने देना है देखो ऑप्शन में भी चेंज नहीं हुआ है मान लो ऑप्शन में चेंज अगर उन्होंने दिया है तो आप लोगों के लिए एलिमिनेट करने में हेल्प होगा वो ठीक so, है सो डब्ल्यू एच वर्ड एज इट इज आएगा अब आगे की चीज वैसे ही हम देखेंगे डू प्लस वी वन आया ये चेंज होगा इज एम आर प्लस वी थ्री इज एम आर वी थ्री या बता बताना मुझे डिड यू वी वन डेड यू वी वन किस में चेंज होगा डिड यू वी वन चेंज होगा वॉज वर प्लस वी थ्री में वॉज वर प्लस वी थ्री में ठीक है अब देखो यहां पर है वॉज नहीं है इज ओके okay. अब यहाँ पे इज वी थ्री है यहाँ पे भी इज वी थ्री है लेकिन आप लोगों को पता है क्वेश्चन में क्या होता है क्वेश्चन में पहले हेल्पिंग वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है ऑर्डर ऑफ द वर्ड ऑर्डर ऑफ द वर्ड नहीं पता है इन दोनों में कन्फ्यूज रहोगे ठीक है पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा तो आपका आंसर क्या है आपका आंसर है ऑप्शन सी आपका आंसर है ऑप्शन सी द नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन हैज एनीबडी आंसर हैज प्लस वी थ्री ये चेंज होगा हैज बीन वी थ्री में ठीक है so, सो देखो हैज बीन वी थ्री हैज बीन वी थ्री यहाँ पे है हैज वी थ्री नहीं ये आपका आंसर नहीं हैज बीन वी थ्री ये हैज यहाँ पे बीन नहीं है ठीक है so, सो दो ऑप्शन को तो हमने एलिमिनेट कर दिया है अब देखो ये क्वेश्चन है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए यहाँ पे तो पहले सब्जेक्ट आ गया है या ऑब्जेक्ट क्योंकि uh,

कैन बी सेंट यहाँ पे है कैन बी सेंट कैन सेंट नहीं ये आंसर नहीं है कुड तो होगा नहीं आंसर क्या है आपका सेवनटीन्थ वाले का आंसर है ऑप्शन ए देखो इस तरह से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है ठीक है चलो

यहाँ पे हैज़ बीन वी थ्री आ गया यहाँ पे भी हैज़ बीन वी थ्री अब ये आपको हेल्प नहीं कर रहा है ठीक है अब पहली बात तो आपको ऑर्डर देखना है पहले बात हेल्पिंग वर्ब ही आएगा पहले क्योंकि अभी भी ये क्वेश्चन है ठीक है so, सो यहाँ पे बाइनोक्यूलर आ गया यहाँ पे बाइनोक्यूलर आ गया इसको हमने कट कर दिया अब देखो हम लोग ने नाउन्स में पढ़ा है देखो आपके नाउन्स का भी कॉन्सेप्ट चेक हो रहा है नाउंस में हमने पढ़ा है कि स्पेक्टिकल्स इन सब चीज़ों के साथ में हम क्या यूज करते हैं स्पेक्टिकल्स प्लूरल वर्ब यूज करते हैं तो यानी कि आपका आंसर क्या है आपका आंसर है ऑप्शन बी आपका आंसर है ऑप्शन बी चलिए द नेक्स्ट वन एक मिनट बच्चों स्लाइड में कुछ दिक्कत आ गई क्या मैंने शायद एंड स्लाइड कर दिया था हुँ. ठीक है फिर से कर दिया नहीं हाँ चलो सो so क्या है होगा? होगा? में, बाय होम एक ही है देखो ये कितना इजी हो जाता है कभी कभी आपका आंसर कितना इजी हो जाता है सीधा सीधा-सीधा वी टू है वी टू चेंज होगा वॉज वी थ्री में है ना सो वाज वी थ्री यहां पे भी यहाँ पे भी लेकिन क्वेश्चन इसको बनाए रखना है तो आपका आंसर है ऑप्शन डी द नेक्स्ट क्वेश्चन हु नोज यू हु है अच्छा अब यहाँ पे आ गया ट्रिक ये नो वर्ड जो है ना इसे बहुत ध्यान से ठीक है नो वर्ड नोन जब पैसिव वॉइस में होता है नोन जब पैसिव वॉइस में होता है पैसिव मतलब इसके आगे इज इस, एम आर वॉज वर अगर आ जाए इज एम आर वॉज वर ठीक है नोन और इसके बाद में आएगा टू ये याद रखना ठीक है ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होता है क्योंकि आप फ्लो फ्लो में हु आ गया बाई हुँ, बाई हुँ, आंसर करके निकल जाते हैं ठीक है सो नो so, no के साथ में नोन पैसिव वॉइस में जब होता है ठीक है पैसिव वॉइस में कैसे होगा के बाद में आएगा was word, V3 के बाद आता है तो ये पैसिव होता है ना सो पैसिव में नो no के साथ में हम टू यूज करते हैं ठीक है सो टू होम आर यू नोन टू होम वाला नोज वाला जो क्वेश्चन होगा याद रखना टू होम से शुरू होगा ठीक so, है सो आपका आंसर है ऑप्शन सी आपका आंसर है ऑप्शन सी द नेक्स्ट वन शट द डोर एंड लीव दरवाजा बंद करो और निकलो शट द डोर एंड लीव रिमेंबर अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो आप सेंटेंस को लेट से शुरू कर सकते हैं लेट उसके बाद में ऑब्जेक्ट ठीक है लेकिन यहां पे देखो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं था ठीक है सो लेट द डोर बी शट लेट द डोर बी शट ये तो ठीक है लेट द डोर बी शटेड वर्ड नहीं होता है शट 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 पुट 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 कट 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 ठीक है इनका वी वन वी टू वी थ्री सेम फॉर्म होता है ओके सो बी तो हमने एलिमिनेट कर दिया लेट द डोर बी शट लेट द डोर बी शट सब सेम है यू आर ऑर्डर्ड एंड यू आर ऑर्डर टू लीव एंड यू आर ऑर्डर टू लीव यहाँ पे दो ऑप्शन से सेम हो गए हैं यहाँ पे दो ऑप्शन से सेम हो गए आपका आंसर टू बी लीव ठीक है अब आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए ठीक है लेट द डोर बी शट नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट ये लिखने की जरूरत ही नहीं है लेट बी द डोर शट हम लेट के बाद पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे लेट के बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर उसके बाद में बी प्लस वी थ्री लिखेंगे ठीक है सो लेट बी द डोर शर्ट नहीं लेट द डोर बी शर्ट तो एक ही है आपका आंसर दैट्स ऑप्शन ए द नेक्स्ट वन प्लीज एंटर प्लीज एंटर बाय द लेफ्ट डोर अब प्लीज बोला है मतलब रिक्वेस्ट किया है है ना सो रिक्वेस्ट वाला देखो कहाँ पे है यू आर रिक्वेस्टेड कहाँ पे है यू आर रिक्वेस्टेड यही आपका आंसर है रिक्वेस्ट वाला एक ही जगह पर है और क्योंकि प्लीज मैंशन कर दिया है काइंडली ऐसा शब्द बोल दिया है तो रिक्वेस्टेड वाला हमें आंसर मार्क करना पड़ेगा अगर दो रिक्वेस्टेड वाला ऑप्शन आ जाएगा तब हम आगे उसको और कंसिडर करेंगे एक ही है तो उसको आंसर मार्क करके हम आगे बढ़ सकते हैं ठीक है द नेक्स्ट वन लेट बी अ चांस लेट ऑब्जेक्ट बी वी थ्री आ गया है मतलब ये पहले ही पैसिव में है ये पहले ही पैसिव में है ठीक है सो बी गिवन बी प्लस वी थ्री है ओके okay, अब इसको कैसे लेके आएंगे गिव एवरीवन अ चांस ठीक है क्यों क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था बी गिवन एवरीवन बी गिवन मतलब सबको दिया जाए तो सबको गिव एवरीवन चांस सबको मौका दो ठीक है सो गिव एवरी वन अ चांस सिंपल है बहुत सिंपल है गिव अ चांस फॉर एवरी वन नहीं आ, ये अगर आ, ए, देखो Uh, हमें ये आंसर मार्क नहीं करना है गिव अ चांस फॉर एवरी वन ठीक है क्यों आंसर मार्क नहीं करना है बिकॉज ऑब्वियसली गिव गिव आपने पहले वर्ब लिखा फिर उसके बाद में आप उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं ठीक है सबको दो क्या एक मौका सो so, ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है हम लोग अपने डेली यूजेज में आप यही बोलते हो कि चांस फॉर एवरी वन और इसीलिए बी मार्क करने का बहुत हाई चांसेस है रिमेंबर यहाँ पे गिव एवरी वन अ चांस सिंपली आप ये लिखेंगे ठीक है लेट एवरी वन बी टास्क सो गिव एवरी वन अ टास्क लेट एवरी वन गिव इन Some sweets some sweets so uh, let every uh, let every give everyone some sweets theek hai okay chalo the next one don't make a noise do not plus v1 agar agaya theek hai do not plus v1 agaya so agar aap pehli baat to let se shuru kar rahe hain so let voice not be made ठीक है? not be made लिखेंगे. okay लेकिन अगर यहाँ पे let a noise be not बी मेड नॉट ऐसा तो नहीं लिखेंगे ठीक है नॉट बी मेड क्या लिखना है हमें नॉट बी मेड ठीक है अच्छा नॉट बी मेड वो तो है नहीं यू आर रिक्वेस्टेड टू नॉट नहीं नॉट टू मेक नॉट टू मेक ओके You are ordered to not. यहां पे फिर से टू नॉट आ गया याद रखना आपको नॉट टू मेक लिखना है ठीक है? Okay? So, आपका है। है लिखना आपका यू आर फॉरबिडन टू मेक अब आप बोलेंगे कि मैम क्यों नहीं लिखा? बोला है, के लिए मना करने के लिए हमने यहां पे वर्ड फॉरबिडन लिख दिया है ठीक है सो यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नेक्स्ट वन ओपन द डोर ओपन द डोर आप लेट से भी शुरू कर सकते हैं लेट फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है द डोर सो लेट द डोर बी ओपनड लेट द डोर बी ओपनड सो लेट द डोर बी ओपन यहां पे है ठीक है चलो द नेक्स्ट वन डोंट टच दिस स्विच अब इसे देखो डोंट टच लेट द स्विच नॉट बी टचड ये तो आप बोल सकते हो लेकिन लेट वाला तो ऑप्शन है ही नहीं ठीक है अब देखो दिस स्विच डज नॉट बी डज के साथ में बी वी थ्री कभी भी नहीं आएगा डज के साथ सीधा सीधा वी वन आएगा ओके मस्ट नॉट बी टचड ओके डोंट बी टच्ड जैसे डज के साथ बी वी थ्री नहीं आएगा वैसे डोंट के साथ में बी बी वी थ्री नहीं आएगा सो so, ये दोनों तो गया नीड नॉट बी टच्ड नीड का मतलब है जरूरत मस्ट का मतलब है नहीं टच करना है तो ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है स्विच को नहीं छूना है हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इस स्विच को इस स्विच को छूने की जरूरत है या नहीं है ठीक है चलो द नेक्स्ट वन यू आर रिक्वेस्टेड अब आपको रिक्वेस्ट किया गया तो प्लीज तो आना चाहिए ठीक है सो प्लीज देखो कहां पे है आई प्लीड यू टू परमिट हिम नहीं प्लीज परमिट हिम टू परमिट V1 आपका एक्टिव वॉइस में चेंज होता है अगर वाला है, है है है, है V1 V1 होता होता में में पे तो ये active voice है और ये पैसिव वॉइस है, है पैसिव वॉइस से उल्टा लेके आना है एक्टिव वॉइस में तो उसको सीधा सिर्फ वी में रखना है सो so सिर्फ वी वन कहाँ पे यहाँ पे है तो ये आपका आंसर है ठीक है चलो वन वी में हैव बीन थ्री हैव यू बीन वॉन्ट अब यहाँ पे हैव यू बीन वॉन्ट हेल्पिंग वर्ब अगर आपने पहले लिख दिया तो ये क्वेश्चन बन गया है भले ही क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं लिखा है ठीक है वी हैव वॉन्ट यू ऑब्जेक्ट पहले लाओ यू हैव बीन वॉन्ट तो आपका आंसर क्या है आपका आंसर है ऑप्शन ए आपका आंसर है ऑप्शन ए ठीक है चलो द नेक्स्ट वन न मस्ट कीप वन प्रोमिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका वन मस्ट कीप वन प्रोमिस सो मस्ट कीप चज होगा मस्ट बी केप्ट में ठीक है सो देखो यहां पर मस्ट बी केप्टे है जो भी मॉडल होगा मॉडल को चेंज नहीं करना है वॉइस में मॉडल को चेंज नहीं करना है वॉइस में सो मस्ट बी केप्ट आपका आंसर क्या होगा आपका आंसर है ऑप्शन डी द नेक्स्ट वन लेट नॉट स इंसल्टिंग वर्ड्स बी माइंडेड लेट नॉट हिस इंसल्टिंग वर्ड्स बी माइंडेड बी प्लस बी थ्री आ गया मतलब ये पैसिव वॉइस है ठीक है और लेट नॉट मतलब मना कर रहे हैं और इंपरेटिव में जब हम मना करते हैं एम्परेटिव में जब हम मना करते हैं तो हम सेंटेंस डोंट से शुरू करते हैं सो डोंट डू माइंड ये हट गया ठीक है अब डोंट बी इंसल्टेड लिखने की जरूरत ही नहीं है ठीक है यहां पर इंसल्टिंग इस वर्ड्स की क्वालिटी बता रहा है insulting insulting words मतलब बेइज्जत करने वाले शब्द ठीक है सो अब शब्द बेसिकली इंसल्टिंग वर्ड्स ये वर्ब नहीं है यहाँ पे याद रखना सो इंसल्टिंग वर्ड्स वहीं पे रहना चाहिए कहाँ पे है ये ये है आपके ऑप्शन बी में ठीक है सो डोंट माइंड हिज इंसल्टिंग वर्ड्स मतलब वो बेइज्जत तो कर रहा था लेकिन उसकी बातों को दिल पर मत लो ठीक है चलो द नेक्स्ट वन दिस ट्रेन कैरीज V1 plus S or आ गया V1 plus S or किस में चेंज होगा इज एम आर वी थ्री में सेंटेंस बड़ा लगेगा परेशान नहीं होना है सीधा वर्ब को पकड़ना है इज एम आर प्लस वी थ्री अब इज वी थ्री ओके ठीक है कैरी नहीं आर कैरीड ओके इज एम आर वी थ्री आ गया इज वी थ्री आर वी थ्री कैरिड दो ऑप्शन आपने कट कर दिया अब देखो आपका ऑब्जेक्ट क्या है दिस ट्रेन कैरीज कैरीज वॉट गुड्स सो यहाँ पे आना चाहिए गुड्स ठीक है गुड्स और इसके साथ में प्लूरल तो आपका आंसर क्या है आपका आंसर है ऑप्शन सी द नेक्स्ट वन फिनिश द वर्क इन टाइम अब वी वन से शुरू किया है अगर आपने तो वो क्या है ऑर्डर है वो क्या है ऑर्डर है वर्क लेट से सारे शुरू हो रहे हैंक्चर so uh, क्या होता है लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस वी थ्री लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस वी थ्री ठीक है सो लेट द वर्क बी फिनिश्ड ओके ओके लेट

सॉरी कैन प्लस वी वन चेंज होगा कैन बी वी थ्री में ठीक है और कैन से ही शुरू होगा वॉइस में कैन से शुरू हुआ है तो कैन से ही शुरू होगा ये ध्यान में बहुत अच्छे से बिठा लो ठीक है सो कैन बी वी थ्री एक ही ऑप्शन है ही क्लियर होगा माइंड में तो सीधा सीधा आप आंसर मार्क करके आएंगे आई प्ले बिलर्ड्स ड्यूरिंग माई फ्री टाइम ठीक है सो ये तो समय बता रहा है ड्यूरिंग माई फ्री टाइम मैनर एडवर्ब ऑफ टाइम इसको पीछे ही रहने दो ठीक है इसको आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है अब आई प्ले बिलर्ड्स आई प्ले क्रिकेट क्रिकेट इज प्लेड बाई मी आई प्ले बिलर्ड्स बिलर्ड्स इज प्लेड बाई मी है ना सो बिलर्ड्स इज प्लेड पे पे आ गया? यहां पे आ गया गया बिलर्ड्स आर प्लेड बाय भी आपके ऑप्शन में दिया होगा लेकिन यहां पे अब आपको अप्लाई करना है अपने नाउंस वाला कॉन्सेप्ट बिलर्ड्स क्या है एक नाम गेम का नाम है गेम का नाम है ये प्लूरल शब्द नहीं

वर्ब uh, का प्रॉपर चेंज हुआ है ठीक है अब आ जाते हैं थ्री मस्किटर्स पे थ्री मस्किटियर्स तीनों जगह पे है अब क्या अब यहां पे भी एक्चुअली आपका चेक हो रहा है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वॉइस के साथ साथ सब्जेक्ट वर्ब चेक हो रहा है थ्री मस्किटर्स रेड मतलब एक कहानी का नाम है एक नॉवल का नाम है नॉवल का नाम जब भी हो थ्री मास्कटियर्स हो गया अरेबियन नाइट्स हो गया सीरीज का नाम है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं अब देखो सिंगुलर कहाँ है सो so, थ्री मस्किटर्स हैज नॉट बीन रेड हैज की तुरंत बाद नॉट आएगा है ना हैज नॉट बीन रेड बाय मी तो आपका

हमने देखा है अगर एडजेक्टिव के बाद अगर एडजेक्ट बाद नहीं अगर एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द आ गया तो ये प्लूरल बन जाता है और इसके साथ में हमें प्लूरल वर्ब यूज करना है सो द ब्रेव आर आपका आंसर है ऑप्शन बी ठीक है द नेक्स्ट वन प्रोमिस शुड बी केप्ट शुड बी मॉडल बी वी थ्री मतलब पैसे वॉइस सो शुड कीप शुड कीप कहाँ पे है यहाँ पे है ये रहा आपका आंसर वन शुड कीप वन प्रोमिसज वन शुड कीप वंस प्रोमिसज ठीक है द नेक्स्ट वन द कर्ड स्मेल्ट सार सबसे पहला क्वेश्चन हमने इसी से शुरू किया था क्विनाइन टेस्ट बेटर सो क्विनाइन इज बेटर वैन कर्ड इज सार व स्मेल्ट नहीं वैन इट वॉज स्मेलिंग भी नहीं वैन इट वॉज स्मेल्ट सो आपका आंसर है ऑप्शन सी आपका आंसर है ऑप्शन सी द नेक्स्ट वन पीपल आज पीपीटी में कुछ दिक्कत हो रही है चलिए सो पीपल कॉल हिम हमने कल ही देखा था ना नेट नेट ट्रिपल सी ए एम नेट ट्रिपल सी ए एम इसके साथ में हम क्या यूज करते हैं एज यूज नहीं करते हैं देखो पीपल कॉल हिम एज अ फूल नहीं कॉल हिम अ फूल एज यूज नहीं किया है ठीक है नाउ पीपल कॉल हिम वी वन है इसको चेंज करेंगे इज एम आर वी थ्री में सो हैज बीन कॉल्ड नहीं इज कॉल्ड yes, ये आपका आंसर हो सकता है ठीक है नहीं भी कुछ समझ में आएगा देखो हैव बीन कॉलिंग हैव कॉल्ड सबको एलिमिनेट कर दिया आपका आंसर है ऑप्शन बी द नेक्स्ट वन ही विल नेवर फॉरगेट विल प्लस वी वन चेंज होगा विल शाल बी वी थ्री में सो विल बी फॉरगॉट इन कैन शुड मे आंसर क्या है बहुत सिंपल बहुत सिंपल आपका आंसर है ऑप्शन ए ठीक है सो ये रहा आप लोगों का मैंने इंपरेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटें और अजर्टिव सेंटेंसेस तीनों का रिविजन करवा दिया ठीक है चलो अब देखते हैं नरेशन नरेशन में याद रखेंगे स्टूडेंट्स हम कभी भी नरेशन का मकसद ही क्या होता है नरेशन मतलब बताना जो बीती हुई बात है सो अभी जो कुछ भी हो रहा है तो मैं उसको प्रेजेंट में बोलूंगी आई एम टीचिंग है ना लेकिन जब आप मेरी कही हुई बात को बाद में बताएंगे दोहराएंगे तब तो ये समय बीत चुका होगा तो आप उसी टेंस में नहीं बोलेंगे जिस टेंस में 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 मैं बोल रही हम हम नरेशन में हम हमेशा पास्ट में जाते हैं मतलब प्रेजेंट है तो आपको पास्ट में जाना है सिंपल प्रेजेंट है तो आपको सिंपल पास्ट में जाना है ठीक है सो so, ये एक बार थोड़ा सा आप ध्यान देंगे ठीक है एक बार इसको फटाफट से रिकॉल करेंगे बहुत जल्दी जल्दी बहुत तेजी से रिकॉल करेंगे ठीक है अगर वी वन या वी वन प्लस एस और ई एस है तो आप किस में जाएंगे वी टू में जाएंगे ठीक है अगर पहले ही वी टू दिया है तो आप किस में जाएंगे और पास्ट में जाएंगे सिंपल पास्ट है तो आप पास्ट परफेक्ट में हार्ड प्लस वी थ्री में जाएंगे अब बस कितना पास्ट में जाते रहेंगे पास्ट परफेक्ट जब भी आता है यहाँ पे रुक जाना है आपको ठीक है अच्छा अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है is एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी है तो ये चेंज होगा वॉज वर वी वन प्लस आई एन जी में वॉज वर वी वन प्लस आई एन जी में ठीक है अगर वॉज वर वी वन प्लस आई एन जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मतलब पहले तो पास्ट परफेक्ट हैड बीन और फिर उसके बाद में कॉन्टिन्यूस वी वन प्लस आई एनजी ठीक है ये बहुत क्लियर बहुत फटाफट क्योंकि ये जितना अच्छे से आपके माइंड में क्लियर होगा उतना जल्दी जल्दी और एक्यूरेसी के साथ में आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नहीं तो सारे ऑप्शन लिखने और पढ़ने में ही समय निकल जाएगा ठीक है अच्छा अगर हैज़ हैव Has, have plus V3 है, तो ये चेंज होगा हैड प्लस वी थ्री में ये चेंज होगा had plus V3 में, ठीक है अच्छा will, shall, models का भी कुछ चेंज होता है will, shall, आपका होगा या शुड में विल शाल चेंज होगा या शुड में चेंज होता है माइट में कैन चेंज होता है कुड में कैन चेंज होगा कुड में ठीक है कुछ वर्ड्स भी है नाउ चेंज होगा देन में होगा, 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 में, 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 ठीक ठीक है? है? तो ये कुछ हैं, जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए बाकी थोड़े बहुत जो चेंजेस हैं, एक तो प्रोनाउन का चेंज है और दूसरे वर्ड ऑर्डर का चेंज है वो हम क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं ठीक है आइए चलिए फटाफट से देखते हैं अब देखो सबसे पहले सोक्रिट सेड सेड बोला इसके ऊपर बहुत ध्यान देंगे क्योंकि अगर यहाँ पे सेज होगा तो आगे टेंस चेंज नहीं करेंगे ठीक है so, सो यहाँ पे ध्यान देंगे सेड है हां ग्रीन सिग्नल है आगे बढ़ो लेकिन आगे बढ़ने के बाद में भी आपको फैक्ट मिलता है तो फैक्ट का भी टेंस चेंज नहीं करना है यूनिवर्सल ट्रुथ मिलता है यूनिवर्सल ट्रुथ का भी आपको टेंस चेंज नहीं करना है ठीक है so, सो आपका आंसर क्या होगा देखो सॉक्रिट्स सेट दैट वर्च्यू इज इज को इज ही रहना है रखना है ठीक है सो सॉक्रिट्स सेज नहीं बनाना है इसको सेड ही रहने देना है तो आपका आंसर क्या है आपका आंसर है ऑप्शन सी द नेक्स्ट वन राहुल सेड ये आपका बिल्कुल लास्ट वाले सेशन में ही आया हुआ क्वेश्चन है ये ठीक है अभी जो पिछला एग्जाम आपका हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है कुछ कहीं कहीं कही बताया जा रहा है कि नाव को यहाँ पे देन में चेंज नहीं करना है लेकिन आपको इसको देन में चेंज करना है नंबर चाहिए तो इसको देन में चेंज करना है ठीक है राहुल सेड मैं इसको या तो अभी करूँगा या तो कभी नहीं करूँगा ठीक है सो अभी बोल रहा है ना अभी के टाइम के लिए तो ये अभी हमेशा अभी थोड़ी होगा ये कोई फैक्ट नहीं है ठीक है so, सो या तो वो तब करता या तो कभी नहीं करता तो so, ये डेफिनेटली चेंज होगा रिमेंबर दिस ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सो राहुल सेट दैट विल चेंज होगा वुड में ठीक है सो विल चेंज हुआ वुड में नाउ चेंज होगा देन में चलो सो विल चेंज हो जाएगा वुड में वुड हो गया और नाउ चेंज होगा में, तो आपका answer है, option C, आपका answer है है है, मतलब दोहराना, I reiterated, मैंने दोहराया, ठीक so, ये सब आ, देखते हैं आगे बदलना है कि नहीं बाकी सब देखते हैं डोंट केयर डोंट केयर चेंज होगा डिडेंट केयर में सो so, देखेंगे यहाँ पे डिडेंट है, यहाँ पे भी डिडेंट केयर है डिड नॉट केयर आ गया और आई केयर ये नहीं आएगा ठीक है अच्छा अब आई री इटरेटेड दैट अच्छा रीइटरेटेड के साथ में आपको दैट कहना है ठीक है री के साथ में आपको दैट कहना है मैंने दोहराया की ठीक है रिलेटिव प्रोनाउन तो आएगा आपका तो आपका आंसर है ऑप्शन सी ठीक है द नेक्स्ट वन ही सेज जैसे ही सेज आया अलर्ट हो जाओ आपको आगे टेंस चेंज नहीं करना है ठीक है सो ही सेज दैट ही सेज दैट सेड वाला चेंज कर दिया हमने ठीक है ही सेज दैट टेंस चेंज नहीं करना है आई एम गोइंग ये प्रेजेंट ही रहेगा पास्ट में नहीं बदलेगा सो so आपका आंसर है ऑप्शन A, आपका आंसर है ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है, okay. है यह चेंज होगा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है ना सन रूल आपका जो है सन रूल क्या है एसओ एन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में नो no चेंज आता है ये फर्स्ट पर्सन था और ये आपका सब्जेक्ट है तो वी को आप बना देंगे दे थर्ड पर्सन का प्लूरल बना देंगे आप क्योंकि ये प्लूरल में है और ये थर्ड पर्सन में है तो थर्ड पर्सन का प्लुरल बनाओ मिनट ही सेट दैट वी आर ऑल सिनर्स ही सेड ओके ओके ठीक है uh, okay, okay, ठीक है ये चेंज नहीं किया है ना अगर तो आप इसको ऐसे ही रहने देना क्योंकि ही वॉज सिनर ये दोनों हमने एलिमिनेट कर दिया ये दोनों एलिमिनेट करने के बाद ओके okay, ठीक है अगर ये चेंज नहीं है तो आप ये आंसर मार्क करेंगे अगर दे होगा तो आप इसको चेंज करेंगे ठीक है चलो द नेक्स्ट वन माई टीचर गेव मी माई टीचर गेव मी अ जर्नल टू रीड माई टीचर गेव मी अ जर्नल टू रीड अब देखिए इसका आंसर क्या होगा ये तो हमने कर लिया क्या हो रही है ये पैसिव वाला क्वेश्चन आ गया सॉरी एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन आ गया है ठीक है ठीके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन माय पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो ही सेड ठीक है ही सेड माय पेरेंट्स आर अराइविंग सो इज एम आर वी वन प्लस आई एन जी चेंज होगा वर्ज वर वी वन प्लस आई एन जी में ठीक है सो ये वर वी वन प्लस आई आर हैव अराइव्ड आंसर क्या है सीधा सीधा आपका ऑप्शन बी ठीक है द नेक्स्ट वन

आई सेड टू माई सिस्टर Said टू चेंज होगा टोल्ड ठीक है सो आई टोल्ड माई सिस्टर आई टोल्ड माई सिस्टर कहीं पे भी टोल्ड टू to होगा उसको तुरंत कट कर देना चलो सब जगह टोल्ड माई सिस्टर है आई ब्रॉट वी टू है ये चेंज होगा हैड प्लस वी थ्री में सो हैड ब्रॉट हैड brought, brought कहाँ पे है यहाँ पे है यहां पे है इधर नहीं है इधर नहीं है ठीक है सो ये दोनों आपका आई टोल्ड माई सिस्टर दैट आई हैड ब्रॉट ब्रॉट अ डॉल अ ओके यस्टरडे ये वर्ड जैसे आ जाएगा तुरंत देखेंगे यस्टरडे प्रीवियस डे में चेंज हुआ है कि नहीं यहाँ नहीं चेंज हुआ है तो आपका आंसर क्या है आपका आंसर है ऑप्शन बी द नेक्स्ट वन दे सेड दे सेड दैट दे सेड दैट सब जगह है वी लिव्ड हियर फॉर अ वी वी लिव्ड इसको पहचानेंगे ये हैव लिव्ड है सो हैव लिव्ड चेंज हो जाएगा हैड लिव्ड में ठीक है दे लिव्ड हैड लिव्ड जब कभी कभी यहाँ पे आपको कुछ डिकोड करना पड़ेगा तो ऑप्शन ईजी देंगे आपको ठीक है चलो द नेक्स्ट वन ही सेड टू द इंटरव्यूअर कुड इंटरव्यूअर को उसने पूछा सवाल नहीं पूछा ये रिक्वेस्ट है देखो कुड से हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन क्या आप कृपया क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा है उनको रिक्वेस्ट किया है ठीक है उनसे क्या किया है रिक्वेस्ट किया है ओके अब देखो यहाँ पे अगर नहीं भी समझ आएगा तो देखो जब सब जगह रिक्वेस्टेड दिया है तो यहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ये कोड गया कहाँ ठीक है अभी रिक्वेस्टेड जब रिक्वेस्ट होता है जब भी अब अब हो हो गया 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 तो imperative में चला गया है ना अब request हो गया आपका तो ये इंपरेटिव सेंस में चला गया है ना और इम्परेटिव सेंटेंस कैसा होता है आपका टू प्लस वी वन से है ना सो so, रिपीट अगर मान लो रिक्वेस्ट नहीं करना होता बोलना होता तो मैं बोलती ना रिपीट द क्वेश्चन है ना मैं ये बोलती रिपीट द क्वेश्चन सो आई ऑर्डर्ड यू टू रिपीट है ना सो टू रिपीट देखेंगे कहाँ पे है देखो टू रिपीट सिर्फ यहीं पर है और ये आपका आंसर है ये आपका आंसर है ठीक है चलो द नेक्स्ट वन द न्यू स्टूडेंट आस्ट द ओल्ड वन नए वाले बच्चे ने पुराने वाले बच्चे से पूछा डू यू नो माई नेम अच्छा यहाँ पर अब आपको इस फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा इंट्रोगेटिव आ गया ना इंट्रोगेटिव को अजर्टिव में बनाना पड़ेगा कहाँ नरेशन में ठीक है सबसे पहले तो डू नो चेंज हो जाएगा डू या डज प्लस वी वन चेंज हो जाएगा सिंपल सिंपल वी टू में है ना सो डू नो चेंज हो जाएगा न्यू में न्यू यहाँ पे है यहां पे है

यहां पे कैन यू डू कैन डू चेंज हो जाएगा आपका कुड डू में ठीक है सो कुड डू कैन कैन कुड डू ओके गोपन सेट टू मी यू सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब ये बन जाएगा आई ठीक है आई कुड आई कुड डू दीज सम्स दीज चेंज हो जाएगा दोज में ठीक है दीज चेंज हो जाएगा दोज में तो आपका आंसर क्या है आपका आंसर है ऑप्शन ए द नेक्स्ट वन ही सेड टू मी सेड टू मी ओके अब यहां पे टोल्ड है नहीं कोई बात नहीं आगे देखो डू यू नो इंग्लिश मतलब उसने पूछा है सेड मतलब उसने पूछा तो यहाँ पे पूछने को इन्होंने आस्ट में बदल दिया है ठीक है डू यू नो अभी अभी देखा था डू प्लस वी वन चेंज हो जाएगा वी टू में न्यू सो न्यू कहाँ पे यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है यहाँ पे नहीं है यहाँ पे नहीं है आंसर क्या है आंसर है आपका ऑप्शन बी ठीक है चलो द नेक्स्ट वन और यू किसके अकॉर्डिंग था नितिन के अकॉर्डिंग ही आपको इसको किसमें चेंज करना है ही कुड सोल्व ठीक है और नंदिता आस्ट नितिन इफ ही इफ कुड ही नहीं इफ कुड ही नहीं इफ ही कुड सोल्व नंदिता आस्ट नितिन इफ ही कुछ

ड गॉट में सॉरी ये यहाँ पे एक बार बता दे रही हूँ आपको इसको नोट करते जाएंगे जो मैं यहाँ पे आपको बताते जा रही हूँ प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन चेंज होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री में है ना सो हैड गॉट देखो हैड गोट कहा है एक ही जगह पर है ये चीज जितनी क्लियर होगी जितनी क्लियर होगी तुरंत के तुरंत आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं ठीक है चलो द नेक्स्ट वन तो इसको नोट कर लो ये जो यहाँ पे मैं लिखवा रही हूँ ना एक्स्ट्रा इस चीज को नोट कर लेंगे बाकी इसके अलावा आप लोगों को पीडीएफ में भी मिल ही जाएगा ठीक है द नेक्स्ट वन आई सेड टू हिम सेड टू हिम मतलब टोल्ड हिम या आस्क्ड हिम हाउ डू यू नो डू प्लस नो चेंज हो जाएगा न्यू में यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब ही सो ही न्यू आना चाहिए यहाँ पे हाउ ही न्यू हाउ ही न्यू कहाँ पे है यहाँ पे है हाउ ही न्यू यहाँ पे भी है हाउ आई न्यू नहीं हाउ आई न्यू नहीं हाउ ही न्यू आई आस्ट हिम दैट आई आस्ट हिम दैट दैट के साथ डब्ल्यू एच वर्ड आता है क्या दैट के साथ आपका कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड कभी नहीं आएगा सो so ये भी ऑप्शन गया आंसर क्या है आपका आंसर है ऑप्शन डी द नेक्स्ट वन माई मदर सेट टू मी सेट टू मी इज योर बेस्ट फ्रेंड ठीक है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड सो योर चेंज किस में होगा सेकेंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट माई तो माई बेस्ट फ्रेंड इज चेंज हो जाएगा वॉज में और ये जाएगा आपका लास्ट में ठीक है माई बेस्ट फ्रेंड वॉज देखो माई बेस्ट फ्रेंड वॉज कहा है वॉज माई बेस्ट फ्रेंड माई बेस्ट फ्रेंड वॉज यहाँ पे है माई बेस्ट फ्रेंड इज नहीं होगा सो माई मदर क्वेश्चन मी माई मदर क्वेश्चन मी एज टू एज टू की जरूरत नहीं है ठीक है पे रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं सीधा सीधा माई मदर क्वेश्चन मी हु माई बेस्ट फ्रेंड वॉज यह नेबर सेड ड्राविट्स नेबर सेड डू यू लाइक डू प्लस वी वन डू प्लस वी वन किस में चेंज होता है डू लाइक चेंज हो जाएगा liked में है ना liked यू second पर्सन है

हिम बोला है ना आपने तो ही लाइक आना चाहिए लाइक like आना चाहिए था तो लाइक टेकी जगह पे है और ये है आपका आंसर ठीक है द नेक्स्ट वन ही टोल्ड द बॉय अब ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन आ गया है नॉट टू सिट देर उसको बोला वहां मत बैठो मतलब ऑर्डर किया है और नॉट टू ईवन शुरू किसे होगा डोंट से ठीक है सो डिडेंट नहीं आएगा डिडेंट नहीं आएगा डोंट सिट जब उसको बोला होगा तब बोला होगा यहाँ मत बैठो ठीक है सो हियर डोंट सिट हियर आंसर क्या है आपका आपका आंसर है ऑप्शन डी द नेक्स्ट वन एवरी सेड सब ने कहा हाउ वेल शी सिंग्स अब क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, कितना अच्छा गाती है वो बोल रहे हैं वाओ कितना अच्छा गाती है तो जब भी हाउ वेल well, ऐसा कुछ वर्ड होता है तो ये वेरी वेल well में चेंज होगा वॉट ब्यूटिफुल पिक्चर ये चेंज होगा वेरी ब्यूटिफुल पिक्चर में ये चेंज होगा वेरी ब्यूटिफुल पिक्चर में ठीक है सो वेरी वेल वेरी वेल चलो ठीक है ये तो सब जगह वेरी वेल आ गया ओके सो एवरीबडी टोल्डर एक्सक्लेमेशन है तो एक्सक्लेमेशन वाला हमें मेन्टेन रखना है नहीं तो सेंटेंस पढ़ के पता नहीं चलेगा कि वो एक्सक्लेमेशन था ठीक है सो एवरीबडी एक्सक्लेम्ड दैट शी सिंग्स है तो ये बन जाएगा सैंग और यह रहा आपका आंसर ठीक है ये रहा आप लोगों का आंसर द नेक्स्ट वन अदर स्पेक्टेटर सेट ब्रावो वेल डन प्लेयर्स ठीक है सो ब्रावो मतलब अपलोड करना तारीफ करना ठीक है सो शाउटेड दैट द प्लेयर्स वर डूइंग वेरी वेल अब याद रखना ये डन वी थ्री फॉर्म में है वी थ्री फॉर्म में बोला है मतलब यूजली वैसे हम प्रेजेंट में जब वी थ्री यूज करते हैं तो ये कॉन्सिटेंस में आता है प्रेजेंट परफेक्ट में है ना इसका मतलब ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में ठीक है सो मतलब हैड प्लस वी आना चाहिए कहीं है ना सो हैड प्लस वी देखते हैं कहीं है हैड प्लस डूंग नहीं ये तो डूइंग आ गया ये तो वर डूइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आ गया ठीक है जॉयफुली ये सब डू वेल well, नहीं हैड डन ये रहा आपका आंसर ठीक है ये रहा आपका आंसर द नेक्स्ट वन माय फादर सेड टू मी सेड टू ब्रावो ठीक है तो अब ये सेड टू ब्रावो के हिसाब से आप चेंज करेंगे अपलॉडेड वैसे भी देख लो सब जगह अपलॉडेड आया है यू हैव डन वेल हैव डन यहाँ पे क्लियरली ओपनली दिया हैव डन इसके पहले वाले क्वेश्चन में ओपनली नहीं था है ना सो हैव डन ये चेंज करेंगे आप हैड डन में यहाँ पे हैड डन पे हाँ बाकी सबको पहले कट कर दो ठीक है सो मी दैट आई हैड डन माई फादर अपलोडेड मी दैट यू हैव देखो अब जब पापा ने बोला है ना यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है तो आपका आंसर क्या है ऑप्शन ए द नेक्स्ट वन ही सेड माई गॉड आई एम रोइंड हम कह रहे हैं ना हे hey, भगवान मैं तो बर्बाद हो गया ही सेड माय गॉड आई एम रोइंड सो ही एक्सक्लेम्ड ये उसने एक्सक्लेम किया हुआ है और रोइन होने की बात कर रही है कई बार हम हम माय गॉड बोलते भी हैं कोई अच्छी चीज के लिए भी हे hey, भगवान कितना सुंदर दृश्य है हम बोलते हैं ऐसा है ना सो so, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव बात बोला है मतलब वो सैड है ठीक है सो ही एक्सक्लेम्ड सैडली अब एम प्लस वी थ्री चेंज होगा वॉज प्लस वी थ्री में देखो यहाँ पे सैडली आपने यहाँ पे मेंटेन कर लिया ठीक है क्योंकि ये माई गॉड वाली फीलिंग तो रखनी थी ना ओके वॉज रू हैड बीन एंड ही एंड नहीं आपका आंसर है ऑप्शन ए आपका आंसर है ऑप्शन ए ठीक है जैसे हम छी बोलते हैं ना ये वही वाला है फी So, किस चीज़ के लिए बोलते है? जो गो मतलब so, नहीं, नहीं है जब आपको कोई गंदी सी चीज दिखती है तो आप छी बोलते हैं आपको जरूरी दुख है आपको घृणा होती है घृणा और दुख दोनों अलग है ठीक है उसने मना कर दिया तो तुम्हें दुख होगा ठीक है लेकिन वो अः किलो मेकअप पोत के आ गई तो तुम्हें दुख नहीं होगा लेकिन तुम्हें घृणा होगी छी ये कैसा क्या पोत के आ गई पे है ना सो

और आपका आंसर आएगा ही एक्सक्लेम्ड ठीक है आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी अब आप बोलेंगे कि मैम आंसर हमारा ऑप्शन बी कैसे आ रहा है ठीक है अब देखो यहाँ पे एंड के बाद में ये वी टू आ रहा है ना सो ही एक्सक्लेम्ड विथ डिजगस्ट एंड वॉमिटेड जब हम एंड से दो वर्ब्स को जोड़ते हैं ना तो वो दोनों सेम टेंस में चल रहे हैं यहाँ पे ठीक है उसने साथ साथ के साथ उसने उल्टी कर दी थी ठीक है सो उसने बोला फी बोला और उसने साथ के साथ उल्टी कर दी तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी ठीक है द नेक्स्ट वन

Was, was very lovely. That house नहीं आएगा तो आपका हाउ क्रूअल ऑफ हिम अब कितना क्रूर है वो उसको एक रिमार्क ही तो दिया है ना टीचर आपको रिमार्क देती थी ना स्कूल में कि ये बदतमीजी कर रहा है इसने पंखा तोड़ा इसने मस्ती किया बहुत बात कर रहा था टेबल तोड़ा है ना सो रिमार्क हाउ क्रूअल ऑफ हिम एक रिमार्क पास कर दिया है ठीक है ये V2 में है तो ये V1 वाला तो आएगा ही नहीं तुरंत तो आपका ध्यान ऑप्शन में जाना चाहिए सो ही रिमार्क्ड दैट ही रिमार्क्ड के साथ में दैट आएगा दैट इट अब ये जब बोला तो ये प्रेजेंट में बोला था तो ये पास्ट में जाना चाहिए तो so, इस वाला हमने हटा दिया ठीक है इट दैट इट वॉज वेरी क्रूअल ही रिमार्क्ड दैट ये गया आपका ही रिमार्क्ड ऑन हिज ग्रेट क्रूअल्टी नहीं इट वॉज वेरी क्रूअल ठीक है ये प्रेजेंट में था तो इसको पास्ट में लेके जाना जरूरी है तो आपका आंसर है ऑप्शन ए ठीक है नाउ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन सो इट वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सीन यहाँ पे है इट ब्यूटीफुल सीन इट वाज नहीं ये हमको हटा देना है ठीक है सो हमारा आंसर क्या है हमारा आंसर है ऑप्शन ए द नेक्स्ट वन ही सेड व्हाट अ फूल टॉम इज व्हाट अ फूल मतलब टॉम इज अ बिग फूल अ वेरी फूल तो नहीं आएगा अ बिग फूल बहुत बड़ा बेवकूफ है है ना सो ही अ बिग फूल ऐसा कुछ होना चाहिए टॉम वॉज बिग फूल अब यहाँ पे ही आपने बोल दिया है ना तो यहाँ पे ही बोल दिया तो किसके बारे में बात कर रहे हो टॉम को ही आपने गायब कर दिया है ना उसकी पहचान ही आपने खत्म कर दी यहाँ पे टॉम यहाँ पर है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है ठीक है ही वंडर्ड काइंड ऑफ किस तरह का बेवकूफ है ऐसा कुछ उसने नहीं बोला कि किस तरह का बेवकूफ है बस ये बोल रहा है कि कितना बड़ा बेवकूफ है है ना सो अ बिग फूल ही क्लेम्ड अच्छा अच्छा क्लेम क्यों नहीं बोला क्लेम का मतलब होता है दावा करना अब यहाँ पे वो दावा नहीं कर रहा है कि वो है ही बस बोल रहा है यार कितना बेवकूफ है है ना सो so, आपका आंसर है ऑप्शन एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है ताजुब दिखाना क्लेम का मतलब होता है दावा करना बिल्कुल दावा तो आप तब करोगे जब कोई प्रूफ होगा तो यहाँ पे कोई प्रूफ वाली बात तो हमने की नहीं है ठीक है चलो द नेक्स्ट वन द टीचर सेड बी क्वाइट बॉयज

सॉरी टू प्लस वी वन ही आएगा यार है ना ये बी वी वन है इसका इस बार ठीक है सो टू बी क्वाइट प्ले टू प्ले गो टू गो सो बी क्वाइट टू बी क्वाइट है ना सो अर्ज द बॉयज अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्टेड या बहुत ज्यादा जब तुम किसी टीचर को तंग कर देते हो है ना तो वो टीचर बेचारा क्या करता है टीचर आपको अर्ज ही करता है कि भाई चुप हो जाओ बच्चों है ना सो द टीचर अर्ज द बॉयज टू बी क्वाइट ओके चलो दोषी सेट टू दोषी ने अपनी को कहा क्या, प्लीज so, uh, अच्छा, बोला है तो रिक्वेस्ट किया है प्लीज बोला है तो रिक्वेस्ट किया है ठीक है अच्छा इन दोनों को तो हम कट कर देते हैं सिलेक्ट वी वन है तो सिलेक्ट चेंज होगा टू सिलेक्ट में सो so, यहाँ पे भी टू सिलेक्ट है यहाँ पे भी सिलेक्ट है वन ऑफ दीज चेंज होगा दोज में वन ऑफ दीज यहाँ पे नहीं चेंज हुआ तो ये गया ये भी गया ये भी गया ये भी गया आंसर क्या. क्या है आपका आंसर है ऑप्शन डी द नेक्स्ट वन शी सेट टू रीता प्लीज हेल्प मी प्लीज बोला है तो रिक्वेस्ट किया है सब जगह रिक्वेस्टेड है हेल्प अब रिक्वेस्टेड हटा दिया हेल्प हेल्प मी चेंज होगा टू हेल्प हर मी फर्स्ट पर्सन है ना तो इसके हिसाब से चेंज होगा सो टू हेल्प हर टू हेल्प हर टू हेल्प हर टू हेल्प हर इससे भी कोई मदद नहीं मिला विथ माई प्लीज हेल्प मी विथ माई सो हर यहाँ पे भी हर आएगा ठीक है सो हर 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 ओ ये तो सब जगह है देखते हैं यहाँ पे अब फिर से ध्यान से पढ़ते हैं शी रिक्वेस्टेड रीता टू हेल्प हर इन हर होमवर्क शी रीता रिक्वेस्टेड नहीं रीता ने नहीं, नहीं, नहीं रिक्वेस्ट किया है ठीक है शी रिक्वेस्टेड रीता टू हेल्प हर अब यहाँ पे विथ बोला है आपने यहाँ पे प्रेपोजिशन को चेंज कर दिया है, है ना अच्छा शी रिक्वेस्टेड रीता टू हेल्प हर होमवर्क आपने प्रपोजिशन यहाँ पे उड़ा ही दिया देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था थोड़ा सा आप लोगों को नर्वस करने वाला क्वेश्चन था है ना uh, कि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो नर्वस हो जाएंगे कोई बात नहीं है आप ए, इसको एक बार रीड कर लेंगे बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं ऐसे आए है, लेकिन फिर भी आ जाएगा तो आप अपना इसको सॉल्व कर लेंगे दोबारा रीडिंग मारेंगे तो ठीक है चलो द नेक्स्ट वन द कैप्टन सेट टू सोल्जर्स द कैप्टन सेट टू द सोल्जर्स स्टैंड एट ईज आराम से सावधान आराम से है ना विश्राम सावधान हम बोलते हैं ना सो स्टैंड एट ईज सो मतलब विश्राम तो कमांड किया है कैप्टन और सोल्जर्स अगर बोल दिया है तो ये सीधा सीधा क्या है कमांड है सीधा सीधा क्या है ये कमांड है ठीक है अब स्टैंड वी वन है ये चेंज होगा टू प्लस वी वन में है ना तो स्टैंड चेंज हो जाएगा टू स्टैंड में अब दे स्टैंड नहीं द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू स्टैंड एट ईज ये है आपका आंसर ठीक है चलो द नेक्स्ट वन द पुलिस सेड टू द थीफ डोंट मूव डोंट प्लस वी वन चेंज होगा नॉट टू वी वन में ठीक है वी वन चेंज हो रहा था

सो वेट हियर जहां पे भी है उसको पहले ही कट कर दो देर देर यहाँ पे है द प्रिंसिपल टोल्ड अज वेट v1 वन चेंज होगा टू प्लस वी में टू प्लस वी भी है वेट देर टिल ही रिटर्न चेंज हो जाएगा रिटर्न में ठीक है सो so आपका आंसर क्या है आपका आंसर है ऑप्शन बी आपका आंसर है ऑप्शन बी ठीक है द नेक्स्ट वन ये वाला हो गया हाँ मे यू लिव लॉन्ग ही सेड मे यू लिव लॉन्ग ठीक है मतलब तुम लंबी उम्र जियो सो so, उसने सजेस्ट नहीं किया है कि तुम्हें और जीना चाहिए ठीक है डिक्लेयर नहीं कर दिया है वो कोई ब्रह्मा नहीं है कि डिक्लेयर ही कर दिया कि माय लाइफ विल बी लॉन्ग उसने बोल ही दिया आप तो होगा ही हाँ उसने मैं आपके आपका जीवन लंबा कौन कर सकता है भगवान ही तो प्रे करना पड़ेगा ही प्रेड दैट ठीक है मे यू लिव लॉन्ग मे यू लिव लॉन्ग सो प्रेड दैट माई लाइफ माइट बी लॉन्ग अब में चेंज होगा माइट में ये यहाँ पे हुआ है तो आपका आंसर है ऑप्शन बी आपका आंसर है ऑप्शन बी ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू डू एज ही वाज टोल्ड मतलब सर्वेंट को जो बोला गया था है ना सो ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट अब यहाँ पे बताओ क्या हो सकता है डू डू एज ही वाज टोल्ड डू एज ही वाज टोल्ड ओके डू एज यू आर टोल्ड जब सर्वेंट को बोलेगा तो सर्वेंट को तो यू ही बोलेगा ना तुम ही बोलेगा डू एज यू आर टोल्ड डू एज आई टोल्ड यू नहीं ही वॉज टोल्ड जैसा उसको बोला गया था है ना जैसा तुम्हें बोला जा रहा है वैसा करो डू एज यू आर टोल्ड ठीक है अब ऑर्डर और सेड ये तो बिल्कुल सही है ठीक है एज यू वर टोल्ड यू वर टोल्ड नहीं यू आर टोल्ड ये प्रेजेंट में होगा तभी तो वो पास्ट में जाएगा ठीक है प्रेजेंट में होगा तभी पास में जाएगा अब देखो यहाँ पे सब सेम है ही ऑर्डर्ड ही ही अब आप यहाँ पे आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी ठीक है क्यों क्योंकि ऑर्डर है वो यहीं से हमें पता चल जा रहा है तो यहाँ पे फिर से ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है ये ऑर्डर है यहीं से पता चल रहा है जैसा कहा जा रहा है वैसा करो तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी ठीक है द नेक्स्ट वन द किंग सेट टू हिज मैन द किंग सेट टू हिस मैन ओके सो द किंग सेट टू हिस्स मैन देखो ऑर्डर दे रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे हमने सेट टू लिखा है है ना सो टू मैन तो ये चेंज हो गया ordered में uh, ordered में commanded में कमांडेड इम्प्लोर्ड मतलब अर्जी uh, करना बिल्कुल रिक्वेस्ट करना है ना सो uh, so गुहार लगाना जिसको हम कहते हैं तो रिक्वेस्टेड तो है नहीं इनफॉर्मड भी है नहीं इन्फॉर्म भी नहीं किया है पुट द मैन सो वी वन से शुरू होगा सो so ये किस में चेंज होगा टू पुट टू पुट And वैसे भी आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है एंड इज यू टू चेंज हो जाएगा में टू मार्च फॉरवर्ड ठीक है सो द कमांडर सेड टू किस में चेंज तो हो so, होना चाहिए ऑर्डर्ड में ये रिक्वेस्ट नहीं किया है तो आपका आंसर है ऑप्शन बी आपका आंसर है ऑप्शन बी सो so, लगभग लगभग हम लोग ने एक घंटा कितना टाइम हुआ है फटाफट से बहुत क्विक रिविजन के साथ में आप लोग इसको सोल्व कर सकते है ठीक है एंड uh, इस क्विक रिविजन के साथ साथ आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा अपना स्कोर मुझे जरूर बताना आप लोग सब लोग ठीक है इस वाले एक्सरसाइज uh, के लिए आप लोग मुझे अपना स्कोर बताएंगे कि मान लो हंड्रेड या कितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग एक बार देख लेना काउंट कर लेना ठीक है लगभग लगभग हंड्रेड क्वेश्चन होंगे तो इतने क्वेश्चन में आप लोगों का कितना स्कोर है कितने सही हुए हैं अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मैं बता दूंगी ठीक है इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे कोई भी डाउट है तो आप डिस्कशन ग्रुप में भी पूछ सकते हैं कल जितने भी बच्चों का एग्जाम है याद रखना आप लोगों को नाइन ये फ़ोन नंबर है इसमें आप कॉल करके अपने जो भी क्वेश्चन है इंग्लिश uh, के वो आप जरूर बता सकते हैं इंग्लिश के और उसके साथ साथ वाई ग्रुप वाले बच्चे अपना जीएस के भी क्वेश्चन मुझे बता सकते हैं अगर आपको याद रहे तो ठीक है आप मुझे बता देना डिस्कस कर लेंगे एक बार नेक्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा ठीक है uh, चलिए सो दैट्स इट फॉर नाउ अभी नेक्स्ट वीडियो आपका थोड़ी देर में आ रहा है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी पूरा रिवाइज हो जाएगा टेंसेज भी पूरा रिवाइज हो जाएगा ठीक है सो लगभग लगभग मैंने सारा आप लोगों का रिविजन करवा दिया वोकेबलरी हम काफ़ी पहले भी बहुत सारा कुछ पढ़ चुके हैं तो पैनिक मत हो बच्चे कि वो कैब है ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चों को वो कैबलरी रिवाइज करना है तो मेरी इस जो भी लेटेस्ट थ्री क्लासेस जो होंगी ना जस्ट पीछे की थ्री क्लासेस शुरुआत से नहीं नंबर वन से नहीं मुझे लग रहा है शायद थर्टी वन क्लासेस मैंने कर लिया होगा सो थर्टी वन क्लास नंबर थर्टी वन क्लास नंबर थर्टी क्लास नंबर ट्वेंटी नाइन और क्लास नंबर ट्वेंटी एट ये चार पांच क्लासेस का पीडीएफ अगर आप देखना चाहें तो पीडीएफ देख सकते हैं वीडियो देखना चाहें तो वीडियो देखने के लिए तो मुझे नहीं लगता अभी टाइम है नहीं देखना चाहिए आपको जिन बच्चों का कल एग्जाम है उसके बाद जिनका है वो तो देख सकते हैं ठीक है जिन बच्चों का कल एग्जाम है वो लोग सिर्फ पी से एक बार फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं ओके okay? चलो सो दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स फॉर दिस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दो क्वेश्चन तो ये आएंगे ये आपके ध्यान से करिएगा ऑल द बेस्ट एवरी